हेलो एवरीवन आई होप आप सभी अच्छे से होंगे तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जहाँ पे दिया गया है इंस्टीट्यू एंड एक्सीट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं अपलोड कर रही हूँ क्लास ट्वेल्थ जे के बोस एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड उसके अलावा ये टॉपिक आपका कहीं पे भी हुआ तो ये वहाँ पे भी आपकी फुली हेल्प कर सकता है इससे पहले मैंने यूनिट फोर जितने भी उनके सब यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं ऑन द प्ले लिस्ट नेमली एनवायरमेंटल साइंस जी के बुस क्लास ट्वेल्थ ठीक है तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा डेफिनेशन इसकी इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है ठीक हमारी लाइफ में बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इकोसिस्टम बैलेंस रखने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे शॉर्ट में मैं समझा देती हूँ अलग से इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपको समझना हुआ तो वो वीडियो आप कंसल्ट कर सकते हैं बायो मीनस लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी लाइव्स में कितनी है एनिमल्स प्लांट्स फंगस बैक्टीरिया उनमें डिफ़रेंट वेराइटी है ठीक है तो उनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है लेकिन क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉय किया जाता है जिससे बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट पड़ता है खतरा हो जाता है कुछ तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हुए हैं कुछ एंडेंजर्ड है कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ठीक है सो फॉर दैट पर्पज़ इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट दैट थिंग हम क्या करते हैं कंजर्वेशन करते हैं जहाँ से ह्यूमन अपना नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ता है तो वहीं से अपना पॉजिटिव साइड भी दिखाता है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करता है ठीक है बचाने की कोशिश करता है कैसे कैसे करता है एक तो मेथड है इंसीटिव दूसरा है एक्सीटिव इंसिट्यू पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है उसके बाद एक्सीट्यू ठीक है यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है डायवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी फॉर मैन का इंसानियत के लिए ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है तो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने लॉस से बचाने के लिए ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी को बचाना तो हमने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्पीशीज़ को कंजर्वेशन का डेफिनेशन हम देख लेते हैं ठीक डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फेयर सो दैट इट मे सस्टेनेबल बेनिफिट्स टू बोथ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन मैनेजमेंट करना है हमें बायोस्फीयर को ताकि प्रेजेंट जनरेशन को भी फायदा हो फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा हो ठीक है तो कंजर्वेशन इज़ प्रैक्टिस ऑफ कंजर्वेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे प्रिज़र्व किया जाता है मेंटेन किया जाता है और वाइज यूटिलाइजेशन किया जाता है अच्छे से रेस्पॉन्सिबली यूटिलाइज किया जाता है ओवर एक्सप्लॉयट नहीं किया जाता है ठीक स्पीशीज़ को और रिस्टोर किया जाता है जिनका नंबर कम हुआ है उनको बराबर लाने की कोशिश की जाती है और उनकी एनहांसमेंट की जाती है इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट ठीक है प्रिजर्व करना बचाना मतलब मेंटेन रखना कि अगर किसी स्पीशीज को इतने नंबर की ज़रूरत होती है इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो एंडेंजर्ड कैटेगरी से निकल के आए तो हम उनका नंबर जो है मेंटेन रखते हैं उस लेवल पे। ऑब्जेक्टिव क्या है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का प्रोटेक्ट करना स्पीशीज़ को फ्रॉम द एक्सटिंक्शन उनका लास्ट इंडिविजुअल भी ख़त्म ना हो जाए अर्थ पे उस रीज़न के लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं स्पीशीज़ को बायोडाइवर्सिटी को ठीक ये पहला मकसद है कंजर्वेशन का दूसरा है हमें क्या करना है वाइजली यूज़ करना है बायोडायवर्सिटी सर्विसेज सर्विस्ट को सर्विसेज जहाँ पे हमने देखा था कंजम्पटिव सर्विस प्रोडक्टिव सर्व सर्विस वो मैंने अलग से वीडियो में दी बना बोला हुआ है आप सबको अगर आपको समझना हो तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने तो क्या करते हैं कि लोग अपने पर्पज़ के लिए अपनी यूटिलाइजेशन के लिए बायोडावर्सिटी को यूज़ करते हैं या मार्केट में चीज़ों को भेजने के लिए बायोडा बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करते हैं यूज़ करना तो चलो ठीक है लेकिन कुछ लोग अपनी लालची नेचर की वजह से ओवर एक्सप्लोइटेशन करते हैं बायोडावर्सिटी को तो कंजर्वेशन का मकसद क्या है कि सस्टेनेबली यूज करना है इन सर्विसेज़ को ताकि कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो ठीक इसके दो मेथड्स हैं कंजर्वेशन के ऑनसाइट और इंस्टिट्यू कंजर्वेशन पढ़ेंगे हम पहले उसके बाद हम एक्सिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे इंस्टीट्यू कंजर्वेशन इंस्टिट्यू कंजर्वेशन टी यू इंस्टिट्यू कंजर्वेशन का दूसरा नाम है साइट आपको वर्ड से ही पता चल चलेगा वर्ड बाय वर्ड ही ऑन साइट मीन्स कि किसी स्पीशीज़ को कंजर्व किया जाता है जहाँ पे वो रहता है उसी जगह पे उसको कंजर्व किया जाता है ठीक है जिस जगह पे वो रहता है कोई जंगल में रहता है तो उसको उधर ही कंजर्व किया जाता है उसको उधर ही प्रोटेक्शन दी जाती है ठीक है ताकि लोग उसको थ्रेट ना पहुँचे या कोई और चीज़ उसको थ्रेट ना पहुँचाए ठीक है नेटिव स्पीशीज़ मीन्स अपनी ही जगह पर उनको कंजर्व किया जाता है प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में ही ठीक और उनको करार दिया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया उस एरिया को बोला जाता है प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें कुछ टाइप्स है लाइक नेशनल पार्क्स सेंचुरीज बायोसफेर रिजर्व सेक्रेट ग्रूवस हेरिटेज साइट्स किसके मुताबिक ये प्रोटेक्टेड एरियाज को डिफरेंट कैटेगरीज में बनाया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ठीक है इनको लीगली जो है मैनेज किया जाता है मींस कि कुछ लॉज या रूल्स बनाते हैं जो जो अगर कोई इंसान उन रूल्स को फॉलो ना करे तो उसको क्या किया जाता है उसको पनिशमेंट दी जाती है ठीक है तो पहले हम पढ़ लेते हैं हम नेशनल पार्क है, मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको फुल फॉर्म में लिखना है ये एक ऐसा ज्योग्राफिफिकल एरिया है जो इकोलॉजिकल फॉनल फ्लोरल इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एंड जोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है इकोलॉजी को बैलेंस रखने के लिए फोना मीनस एनिमल्स को बचाने के लिए प्लांट्स को बचाने के लिए या अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या उस एरिया की जियोग्राफी के लिए या जोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर करना है एज प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पे क्या किया जाता है किसी स्पीशीज़ को उसके अपने ही जगह पे क्या किया जाता है कंजर्व ठीक है ये ऑन साइट या इंसीट्यू कंजर्वेशन की एग्जाम्पल है ठीक है एनिमल स्पीशीज़ को यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या किया जाता है कंजर्व ठीक यहाँ पे ह्यूमंस की कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है रूल्स रहते हैं जहाँ पे ह्यूमंस को बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो नेशनल पार्क्स में जाके पेड़ काटें या किसी एनिमल को हंट करें ठीक है ये ये जो लॉज है ये कौन बनाता है नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हम बताएंगे बता सकते हैं और इसकी बाउंड्री जो है उनको सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस जो है वो कौन देता है स्टेट लेजिस्लेशन स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो देता है ठीक है हाई डिग्री प्रोटेक्शन होती है इनमें हंटिंग फ्यूल फूड कलेक्शन या ग्रेजिंग जो अपने भेड़ बकरियों को चरवाते हैं किसी एरिया में ग्रास फील्ड में या लोगों की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अपने फ़ायदे के लिए क्रॉप्स जो उगाते हैं वो भी यहाँ परमिट नहीं है जैसे कि मैंने पहले ही बोला ठीक है इंडिया में कितनी नेशनल पार्क हैं वन ये आपको याद रखना है ठीक है फिर आता है दूसरा इन सीटू कंजर्वेशन का प्रोटेक्टेड एरिया जो है दैट इज़ सेंचुरीज़ ठीक है स्नैक्चरीज़ बोले सेंचुरीज़ बोलिए यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स ये याद रखिएगा उनको स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट किया जाता है किलिंग हंटिंग शूटिंग कैप्चरिंग यहाँ पे भी जो है प्रोहबिट होती है यहाँ पे तो कम्प्लीटली प्रोहबिट होती है लेकिन यहाँ पे भी होती है लेकिन एक्सेप्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई स्पीशीज़ रिसर्च पर्पज के लिए एजुकेशन पर्पज के लिए जरूरत है तो वहां पे हायर अथॉरिटी जो होगी उस एरिया में उससे परमिशन लेके वो जा सकते हैं ठीक है मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एम होता है किसका सेंचुरी का ठीक अब हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो सेंचुरीज में लेस होती है एज कंपेयर टू नेशनल पार्क ये आप याद रखिएगा ठीक है ग्रेजिंग वुड कलेक्शन एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत जो है वो क्या होती है अलाउड होती है इंडिया में फाइव वन सिक्स सेंचुरीज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबको याद रखना है ठीक है तो अब हम एक टेबल यहां पे लिख लेते हैं मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको अगर इम्पोर्ट मतलब लिखना है तो आप नोट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप ऐसे क्या लिखेंगे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे ठीक है फिर वन टू थ्री ऐसे से, ठीक फिर लिखेंगे यहां पे नेम ऑफ स्टेट और यूटी, नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ सेंचुरीज ठीक यहां पे आप लिखेंगे पहले आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में कितनी नेशनल पार्क्स है दैट इज सिक्स ओके और सेंचुरीज़ कितनी है ट्वेंटी वन ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर टू नेशनल पार्कस हैं एंड एवं सेंचुरीज़ है ओके okay? और फिर आता है आसाम जहाँ पर फाइव नेशनल पार्कस हैं एंड एटीन सेंचुरीज़ है बिहार में वन नेशनल पार्क एंड ट्वेल्व सेंचुरीज़ छत्तीसगढ़ थ्री नेशनल पार्कस एंड एलेवन सेंचुरीज़ गोवा वन नेशनल पार्क एंड सिक्स सेंचुरीज ओके ऐसे आप लिखते जाएंगे अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है गुजरात में कितनी है फोर नेशनल पार्क्स एंड ट्वेंटी थ्री सेंचुरीज ठीक है हरियाणा में टू नेशनल पार्क्स एंड एट सेंचुरीज़ हिमाचल प्रदेश में फाइव नेशनल पार्क्स एंड थर्टी टू सेंचुरीज़ ठीक है जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फाइव नेशनल पार्क्स हैं ठीक है और जम्मू कश्मीर में कितनी सेंचुरीज़ हैं दैट इज़ फिफ्टीन ओके ये इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि हम जे के बोस के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कितनी सेंचुरीज हैं फिफ्टीन ओके तो ये थे कुछ जो इम्पोर्टेंट मैंने आप सबको स्टेट्स का नाम बोला और उसके अलावा नेशनल पार्क्स कितनी हैं आप ये नोट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे और सेंचुरीज कितनी है वो भी मैंने बताया इसमें दिल्ली में, में नेशनल पार्क कोई नहीं है और वन सेंचुरी है दमन एंड दीव में नेशनल पार्क कोई नहीं है और वन सेंचुरी है पुडुचेरी में ज़ीरो नेशनल पार्क है एंड वन सेंचुरी है ठीक है तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ये मैंने आपके लिए बताया आगे देख लेते हैं हम आप बायोस्फेयर रिजर्व ये भी इंस्टीट्यूट में आते हैं ये जो प्रोग्राम है बायोस्फेयर बनाने का ये किन्होंने लॉन्च किया यूनेस्को ने ठीक है यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है ये आप बताएंगे मुझे ताकि मुझे पता चले आपका कितना माइंड जो है प्रेजेंट रहता है लेक्चर के दौरान आप ये कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करेंगे ठीक है 1971 में अंडर मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम के अंडर ये लॉन्च किया था प्रोग्राम रिजर्व ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के लिए है 425, 95 में, टोटल फोर ट्वेंटीफेयर हैं जिसमें से फोर्टीन है इंडिया में उसमें से कुछ बायोसफ़ेयर्स का नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नीलगिरी नंदा देवी काजीरंगा मानस कन्हा एंड सुंदरबंस ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा याद रखना कि बायोसफ़ेयर रिजर्व जो है उसको थ्री जोन्स में कवर किया मतलब डिवाइड किया गया है कोर जोन ठीक बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसकी अच्छे से ऐसे पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे ऐसे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फिर आप ऐसे लेबल करेंगे ट्रांजिशन जो जोन जो है सबसे बाहरी जोन होता है ठीक है इसको एरिया ऑफ कॉपरेशन बोलते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है मींस वो फ्यूअल ले सकते हैं ठीक है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं दूसरा जो जोन है इसको बफर जोन बोलते हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इन केस किसी चीज़ में एजुकेशनल फील्ड या रिसर्च के लिए कोई स्पीशीज ज़रूरत हो तो उस केस में अलाउड है ठीक है इसको बोलते हैं बफर जोन इसको बोलते हैं कोर जोन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है ना यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है और ना यहाँ पे रिसर्च एजुकेशन के लिए कोई भी अलाउड है ठीक है ये कोर जोन होता है ठीक है कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के, के केस में अब आते हैं दूसरा मेथड जो है दैट इज़ एक्सीटिव कंजर्वेशन एक्सीटिव मीन्स कि यहाँ पे इन सीटू में क्या किया जाता था एक स्पीशीज़ को उसको अपने एरिया में ही उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व किया जाता था लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है इस स्पीशीज़ को उठा के दूसरी जगह किसी लैब में किसी सीड बैंक में या किसी बॉटनिकल गार्डन में उसको लेके ह्यूमन के, के देख में कंजर्व किया जाता है यहाँ पे ह्यूमस जो है वो इनको देख के या इनकी देखभाल करके कंजर्व करते हैं चाहे है फिर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो ठीक है वाटर शेल्टर फूड और हेल्थ केयर इनको प्रोवाइड की जाती है ह्यूमस के द्वारा ठीक है वहाँ पे ह्यूमन्स का इंटरवेंशन ही होता है कहाँ पर इंस्टिट्यू में बॉटनिकल गार्डन एक एग्जाम्पल है जो एक्सीटी में आती है जहाँ पे प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है बॉटनिकल मीनस ही होता है प्लांट्स को कंजर्व करना और सेफ रखा जाता है इनको थ्रेट से फिफ्टीन हंड्रेड बोटनिकल गार्डन और आरबोरेटा है इन वर्ल्ड आरबोरेटा मीनस की जहां पे बड़े बड़े ट्रीज को कंजर्व किया जाता है यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है वहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ को कंजर्व किया जाता है उधर आते हैं आर्बोरेटा ठीक है और जहां पे एट थाउजेंड स्पीशीज को रखा गया है फिफ्टीन हंड्रेड टोटल वर्ल्ड में क्या है बॉटनिकल गार्डन्स ठीक और आरबोरेटा मिला के कुछ में ऐसे कुछ बॉटनिकल गार्डन और आर्बोरीटा में क्या रखे गए हैं जीन बैंक है टिश्यूज जो यहाँ पे जीन्स को डिफरेंट जीन्स को कंजर्व किया जाता है यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज को कंजर्व किया जाता है ठीक है जो कंजर्व किए गए हैं इन स्पीशीज को फिर जो सूटेबल होते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जाने के लिए फिर उनको लैब या किसी भी बॉटनिकल गार्डन से उठा के जब उनका नंबर बहुत बढ़ जाता है फिर उनको उठा के अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है ठीक है यहाँ से किन को उठाया जाता है जिनका नंबर जो एंडेंजर्ड होते हैं एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होते हैं यहाँ से उनको उठा के फिर लेते हैं एक्सीटिव कंजर्वेशन के लिए फिर जब इनका नंबर बढ़ जाता है उस थ्रेड से निकल जाते हैं तो फिर इनको वापस इंट्रोड्यूस किया जाता है री इंट्रोड्यूस किया जाता है सेकेंड एग्जाम्पल सीड बैंक यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमन कैप्टिविटी में सीड्स को कंजर्व किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई स्पीशीज़ जो है वो हो गई एक्सटिंक्ट ठीक है कोई प्लांट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई अर्थ से लेकिन क्या होता है कभी कभी उसका सीड पाया जाता है उस सीड को कंजर्व किया जाता है जब सूटेबल एनवायरमेंट मिलता है तो उसको उगाया जाता है फिर उनका नंबर बढ़ाया जाता है ठीक है सिक्योर स्टोरेज की जाती है इनको प्रिजर्व किया जाता है फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रॉप्स कभी कभी क्या होता है कि एक प्लांट का सीड जो है वो रेजिस्टेंट होता है टू एनी डिजीज और एक प्लांट का सीड होता है जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ज्यादा है जो फॉर एग्जांपल जिसके आलू बहुत ज़्यादा उगते हैं या जिसके टमेटोज उगते हैं बहुत ज़्यादा तो इनकी इंटरब्रीडिंग करने के लिए भी सीड्स को कंजर्व किया जाता है या प्रिजर्व किया जाता है ठीक इनको मॉइस्चर प्रॉपर जो है वो अवेलेबल किया जाता है दिया जाता है और टेम्परेचर जो इनके लिए सूटेबल हो जिसमें वाइबल हो सकते हैं वो दिया जाता है बाई ह्यूम ठीक है जीन जी? जी? बैंक्स दूसरा टाइप है यहाँ पे जीन को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट कटिंग्स को कंजर्व किया जाता है जीन बैंक्स में ठीक है ये भी एक्सीटिव कंजर्वेशन का टाइप है ताकि आगे जाके उन पे रिसर्च किया जाए या इंटरब्रीडिंग करी जाए डिफरेंट स्पीशीज़ के थ्रू ठीक फॉर एग्जांपल ये कोई स्पीशीज़ है कोई एनिमल है या दूसरा एनिमल है इनका स्पीशीज़ जो है ये ज़्यादा ईल देता है या ये ज़्यादा दूध देती है कम देती है या इसका मीट ज़्यादा तो इनकी इंटरब्रीडिंग करने के लिए इनके जीन्स को पहले प्रिजर्व किया जाता है कंजर्व किया जाता है ताकि आगे जाके ईल हो या इनका कभी कभी कम नंबर होता है ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होते हैं तो इनका जीन प्रिजर्व किया जाता है कंजर्व किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है क्रायो मीनस कि यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर पे सेल्स टिश्यूज़ ऑर्गेनल्स या डिफरेंट ऑर्गेन्स को प्रिजर्व किया जाता है कंजर्व किया जाता है माइनस एटी डिग्री दिया जाता है इतना बहुत कम टेम्परेचर ऐसे प्रिजर्वेशन के लिए रखा जाता है या कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है या लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है एट माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस ठीक है ताकि जो ऐसे ऑर्गन जो सेल्स टिश्यूज, ऑर्गेनल्स या ऑर्गन्स होते हैं ये किसी टेंपरेचर टेम्परेचर एक्टिव रहते हैं इनके एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं ठीक है इनके एंजाइम्स की एक्टिविटी रोकने के लिए इतना टेम्परेचर कम दिया जाता है ताकि वो स्टॉप हो और इनको हम प्रिजर्व कर सकें फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जेनरटिंग मटीरियल स्टोर्ड एंड एम टू कंजर्व द ब्रीड एंड कंजर्व द स्ट्रक्चरली इंटैक्ट सेल्स एंड टिश्य ऐसे सेल्स एंड टिश्यूज़ को बचाया जा सके ताकि अगर किसी एनिमल स्पीशीज़ का नंबर कम है या आगे एक्सटिंक्ट हुआ तो हम इनके जीन्स या सीड्स या टिश्यूज़ को प्रिजर्व करते हैं बिल्कुल लो टेम्परेचर पर ताकि जब इनके लिए सूटेबल एनवायरमेंट आए तो हम इनको फिर से उगा सकें और इनका नंबर फिर से री इंट्रोड्यूस कर सकें प्लानट पर ठीक है तो ये था आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमें थर्टन स्पीशीज uh, हमें क्या पढ़ना था एक्सीट्यू बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यू एंड एक्सीटी आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें विद योर फ्रेंड्स फैमिली क्लासमेट्स जिनको भी ये जिनको इनसे इससे इस वीडियो से हेल्प होगी और आपकी वजह से हेल्प होगी किसी की तो आपकी भी कल को हेल्प हो सकती है सब्सक्राइब करें मेरी चैनल पे नए हैं तो क्लास ट्वेल्थ के एनवायरमेंटल साइंस के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले और बीएड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं और कमेंट करें पॉजिटिव वे में आपको अच्छा कैसा लगा ये वीडियो और कन्फ्यूजन है कोई तो वो भी मैंशन करें मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी मैं हर किसी के कन्फ्यूजन को के कमेंट को रिप्लाई करती हूँ ठीक है ताकि हमारा जो इंट्रैक्शन है वो बना रहे चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ये एग्जाम्स